गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको ड्राइंग, वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सारी चीज़ का जो मटेरियल आपको उपलब्ध रहता है और बहुत ही एग्जाम इम्पोर्टेंट के लिए जो डाला गया है, इसमें सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से जा करके अच्छे से इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब हम शुरू करते हैं। ये जो हमारा सेकंड ईयर फिटर टर्नर मशीनिस्ट और MMV मैकेनिकल ट्रेड के लिए है, ये बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको भली बात अच्छे से याद रखिए ताकि आपका थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स आए। सवाल नंबर एक की हम बात कर रहे हैं, तो सवाल नंबर एक है मैट्रिक थ्रेड एंगल कितना का होता है, तो 60 डिग्री। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। UNC का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफाइड फोर्स, ये दिमाग में आपको रखना है, तो इसका फुल फॉर्म है। BSW थ्रेड का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट जो है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो BSW थ्रेड का जो एंगल है वो 55 डिग्री है। सवाल नंबर 4 कह रहा है शाफ्ट पर खाली जगह की का ये मतलब है कि की वाई की से मतलब है, शाफ्ट की वाला जो होता है ये की से मतलब इसका है, तो की मैंने चाबी होता है, तो शाफ्ट पर चाबी के लिए की वे, ये भी वही की है KEY, की वे नहीं बनाया जाता है, तो सैंडल वाला जो है उसमें नहीं बनाया जाता है। सैंडल प्रकार के जो भी शाफ्ट रहेगा उसमें जो है नहीं बनाया जाएगा। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं की को शाफ्ट पर स्क्रूप से कसा जा सकता है, तो फीडर की को, यहाँ क्या है ऑप्शन में फीडर की भरेगा, फीडर की को शाफ्ट पर स्क्रूप से कसा जा सकता है। बड़े सिरे पर मोटाई खाली जगह की लंबाई नॉमिनल होती है, तो टेपर, बड़े सिरे पर मोटाई यहाँ टेपर भरेगा, टेपर की नॉमिनल जो है मोटाई होती है, टेपर की यहाँ भरेगा टेपर। सवाल नंबर आगे टाइट फिटिंग प्राप्त करने के लिए खाली जगह की वे को पर ड्राइव करने के लिए हैमरिंग किया जाता है, तो हैमरिंग किस पर किया जाता है, गिव हेड पर, गिव हेड जो है उसी के की पर जो है यह हैमरिंग किया जाता है, तब वो टाइट फिट प्राप्त होता है। अब सवाल नंबर आगे की हम देख रहे हैं, तो ये देखिए सवाल नंबर आगे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 8 हम देख रहे हैं। तो सवाल नंबर 8 में कह रहा है खाली जगह की आकार में अर्धवृत्ताकार होती है, तो बोर्डरफ की जो है वो अर्धवृत्ताकार की प्रकार की है। सवाल आता है कि अर्धवृत्ताकार की ऊंचा है, तो बोर्डरफ की हो गया। सवाल नंबर आगे देखें इफेक्ट द्वारा की खाली जगह की उपयोग बहुत अधिक टॉर्क के लिए किया जाता है, तो टेंजेंशियल जो है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा जो है अधिक टॉर्क के लिए किया जाता है, तो ये इसमें फिल द ब्लैंक में क्या टेंजेंशियल भराएगा। टेंजेंशियल के दो प्लेट को खाली जगह के कोने पर फिक्स किया जाता है, तो 120 डिग्री पर। टेंजेंशियल जो है की इसको दो प्लेट के बीच में खाली किया जाएगा या फिक्स किया जाएगा, तो कितना 120 डिग्री। सवाल हमारा आगे कह रहा अंशता शाफ्ट में तथा अंशता मेटिंग पार्ट्स में बने ड्रिल होल में खाली जगह की शाफ्ट के समानांतर फिट की जाती है, तो इसका आंसर है गोल, यानी गोल जब रहेगा होल में गोल की शाफ्ट की जाएगा। कैसा शाफ्ट का प्रयोग करेंगे, तो गोल की वाला शाफ्ट जो है उसका प्रयोग करेंगे, तब वो समानांतर फिट बैठेगा। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं बोर्डरफ की वे में शाफ्ट को मिल जाता है या मिल किया गया है, इसलिए यह शाफ्ट को खाली जगह है कमजोर करने का प्रयत्न करती है। बोर्डरफ की वे में शाफ्ट को मिल किया जाता है, इसलिए कि शाफ्ट को क्या करता है, तो कमजोर करने का प्रयत्न करना जाता है, इसलिए जो उसमें बोर्डर की वे को शाफ्ट में मिल किया जाता है। सवाल हमारा आगे कह रहा है चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, CRUST होगा, क्रस्ट कहते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। अब सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं की, तो सवाल नंबर आगे आप देखिए कह रहा है कि एक चक्कर में नट द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो लीड कहते हैं। एक चक्र में नट द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, लीड। सवाल नंबर आगे थ्रेड एंगल सभी चूड़ियों के लिए होता है, तो थ्रेड एंगल सभी चूड़ियों के लिए क्या होता है, समान एंगल में रहता है। सवाल नंबर आगे लीड स्क्रूप में खाली जगह चूड़ियां होती है, तो लीड स्क्रूप में कैसी चूड़ियां होती है, कैसा थ्रेड होता है, एकमित थ्रेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीड स्क्रू में कैसे चूड़ी होता है, एकमित थ्रेड वाला होती है। जब नट क्लॉकवाइज घुमाने पर बाहर उतरता है तो उसकी चूड़िया क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड। यानी जब भी आपको हम नट को क्लॉकवाइज कर रहे हैं और नट जो है बाहर उतर रहा है या खुल रहा है, तो वैसे जो है थ्रेड को क्या कहेंगे, तो लेफ्ट हैंड जो है ये थ्रेड कहेंगे, लेफ्ट हैंड थ्रेड इसका भराएगा फिल इन द ब्लैंक में। दो बराबर चूड़ियों की संगत बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तो दो बराबर चूड़ियों की संगत बीच की दूरी क्या कहते हैं, ये पिच कहलाता है। दो बराबर चूड़ियों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहलाएंगे, तो पिच कहलाएगा। सवाल हमारा लास्ट कह रहा
कह रहा है एक ही शाफ्ट पर दो गियर वाली ट्रेन को ट्रेन करते हैं तो एक कंपाउंड ट्रेन करते हैं, कंपाउंड से दवाई जोड़ा जाता है गियर वाली ट्रेन को। सवाल नंबर आगे कह रहा है चूड़ी को फीड देने के लिए को एंगेज करते हैं, एंगेज चूड़ी को फीड देने के लिए खाली जगह को एंगेज करते हैं तो हाफ नट के द्वारा एंगेज करते हैं। चूड़ी को फीड देने के लिए किसके द्वारा एंगेज करते हैं, हाफ नट के द्वारा। तो इस तरह से 20 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते कि पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट या कोई भी त्रुटि आपको नजर आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, उसमें विचार किया जाएगा और अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। थैंक यू।